निमोनिया एक आमतौर से जाड़े और बरसात में होने वाला एक कॉमन रोग है जो अधिक दिनों तक स्थायी रहने पर घातक सिद्ध होता है। लंग्स में सूजन आ जाना, उसमें सोथ हो जाना, दर्द के साथ तीव्र बुखार का आना, ये निमोनिया माना जाता है। 30 साल से 40 साल तक के जो पुरुष हैं उनमें भी ये ज्यादा देखा गया है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में निमोनिया के लक्षण ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिवादन है और सारे दर्शकों का नमस्कार है आज के इस कार्यक्रम में। सर, आजकल देखा जा रहा है निमोनिया बहुत लोगों को हो रहा है, तो इसके क्या कारण है? देखिए, निमोनिया एक आमतौर से जाड़े और बरसात में होने वाला एक कॉमन रोग है जो अधिक दिनों तक स्थायी रहने पर घातक सिद्ध होता है। आमतौर से लंग्स में सूजन आ जाना, उसमें सोथ हो जाना, दर्द के साथ तीव्र बुखार का आना, ये निमोनिया माना जाता है। यानी जब कभी भी बुखार के साथ हमको सीने में जकड़न हो, सीने में तेज दर्द हो, या हमको लग रहा हो कि हमारे फेफड़े में हमको कष्ट हो रहा है, सांस को बाहर खींचने में और अंदर लेने में अगर हमको दर्द की अनुभूति हो रही है, तो निमोनिया के लक्षण होते हैं और इसे हम निमोनिया कहते हैं। आमतौर से जो निमोनिया है ये ब्रोंकस जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर पहुंचने पर ये अपना रिप्रेजेंटेशन इनका बढ़ता है और इनके रिप्रोडक्शन के बढ़ जाने के कारण ये मल्टीपल करते हैं हमारे लंग्स के एल्वियोली में जाकर के और पूरे लंग्स को घेरते चले जाते हैं। ये हमारे खांसी के साथ, बलगम के साथ मुंह के बाहर निकलते हैं और मिट्टी में जाकर के ये गिर जाते हैं, फिर सूख करके दूर दूर तक हवा में उड़ते हैं और इस तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये हवा के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो आमतौर से ये इन्फेक्टिव डिजीज माना गया है। और निमोनिया दो तरह का होता है। एक निमोनिया आमतौर से हमारे जब एक फेफड़े को प्रभावित करता है तो उसको हम कहते हैं लोअर निमोनिया, और अगर हमारे दोनों फेफड़े उससे प्रभावित हो जाते हैं उसको हम कहते हैं डबल निमोनिया। आपने आमतौर से डॉक्टरों को कहते सुना होगा कि इनको डबल निमोनिया हो गया है। तो डबल निमोनिया का तात्पर्य यह है कि जब हमारे दोनों लंग्स निमोनिया से, यानी स्ट्रेप्टोकॉकस से या निमोनोकॉकस बैक्टीरिया से या बैसिलस निमोनिया से या स्ट्रेप्टोकॉकस से, ये चार पांच बैक्टीरिया ऐसे हैं जो निमोनिया के काज बनते हैं, अगर इनसे दोनों फेफड़े हमारे प्रभावित होते हैं तो उसको हम डबल निमोनिया कहते हैं, और अगर एक फेफड़ा प्रभावित होता है तो उसे हम लोबर निमोनिया कहते हैं। और जब फेफड़ों से ये रोग आगे हमारे ब्रोंकियोल्स में पहुंचता है, हमारे श्वसन नली में पहुंच जाता है, श्वसन नली को भी ये जाम कर देता है, तो हम उसको कहते हैं ब्रोंकियो निमोनिया। यानी ब्रोंकियो निमोनिया या ब्रोंकस निमोनिया और सामान्य निमोनिया, ये दो अलग अलग तरीके की निमोनिया ही जाल फेफड़े से लेकर के हमारे गले तक या ट्रेकियल चैम्बर तक ये फैला देते हैं। अधिकतर ये बच्चों में पाया जाता है, क्या इसके लक्षण अलग अलग होते हैं बच्चों में? नहीं देखिए, ये कोई बच्चों में ही पाया जाता है ये तो ऐसा नहीं है। 3 तक के बच्चों में आमतौर से ब्रोंकस निमोनिया देखा गया है, क्योंकि बच्चों के लंग्स छोटा होता है और उनका जो ब्रोंकियोल होता है वो वहां तक पहुंच जाते हैं। इस नाते 3 साल से 4 साल के बच्चों में तो ये ज्यादा देखा गया है, लेकिन 30 साल से 40 साल तक के जो पुरुष हैं उनमें भी ये ज्यादा देखा गया है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में निमोनिया के लक्षण ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। देखिए, ये रोग बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे सीलन भरे वातावरण में खेलने के आदि ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादातर पानी के साथ खेलते रहते हैं, पानी से उनका लगाव ज्यादा बना होता है, तो स्वाभाविक है छोटे बच्चों को स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया उनके अंदर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और बच्चे धूल मिट्टी में भी खेलते रहते हैं तो वहां से धूल मिट्टी से उड़ करके वो उनके श्वसन प्रणाली से उनके लंग्स पर पहुंच जाते हैं। इस तरह बच्चों में होता है, लेकिन आमतौर से बुजुर्गों में, 30 से 40 साल के युवाओं में, महिलाओं में, धूल भरे कमरों में रहने वाले या सीलन भरे स्थानों पर काम करने वाले, ऐसे तमाम ऑफिस के तमाम ऐसे रूम होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सीलन होती है, स्टोर में काम करने वाले लोगों को इस तरह के रोग ज्यादा देखे गए हैं। निमोनिया हो जाने पर ठंडा खाना पीना मना कर देते हैं, तो उसमें क्या खाना पीना चाहिए? पहले तो आप ये समझ लें कि निमोनिया जिसको हो जाता है, निमोनिया ठंड से ही होता है। एक लोअर टेम्परेचर पर या हमारे आसपास का जो टेम्परेचर वो डाउन रहता है, बरसात में ज्यादा होता है, ये बसंत ऋतु में और बरसात के मौसम में ज्यादा होता है, तो गीले एटमॉस्फेयर में निमोनिया के चांसेस, चूंकि ब्रोंकस स्ट्रेप्टो जो आपके स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया है
ये शीत भरे वातावरण में ज्यादा पनपते हैं। इस तात्य कहा जाता है कि निमोनिया वाले लोगों को ठंडे खाने से या ठंडे पानी को या बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर चिन वाटर को नहीं देना है, विशेष करके ऐसे रोगों में जो निमोनिया से पीड़ित होते हैं उनमें दुर्बलता आ जाती है, गीले शीतयुक्त स्थान पर रहने के वो आदि बन जाते हैं, उनकी नींद गायब होने लगती है, तीव्र ज्वर होने लगता है, उनका जो टेम्परेचर होता है निमोनिया में 103 से 104 डिग्री बना रहता है, जो उनकी सांस लेने की आमतौर से दर है वो एक मिनट में 18 बार होती है, लेकिन निमोनिया के रोगी को एक मिनट में लगभग 30 से 40 बार वो सांस जल्दी जल्दी लेना चाहता है, क्योंकि उससे उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई, उसको लगता है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक रही है। बलगम में लालिमापन लिए होता है, क्योंकि और लगता है कि एक गाढ़ा कफ उसका निकलता है। ये तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जो ठंडे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों ज्यादा होते हैं। इस नाते ठंडा भोजन, ठंडा पानी या ठंडी चीजों को खाने के लिए हम निमोनिया में अवॉइड करते हैं। निमोनिया हो जाने पर क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं? निमोनिया हो जाने पर सावधानी तो वही है कि आपको ठंड से बचना है, अपने आसपास के गीले वातावरण से आपको बचना है, ठंडे भोजन पदार्थों से आपको बचना है, हरी साग सब्जियों का सेवन करना है, ऐसे पौष्टिक तत्व लेने हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो, लेकिन हम आमतौर से ठंडे चीजों को खाने से अपने आप को रोकेंगे। ऐसे साग सब्जियों का प्रयोग ना करें जो ठंडी के सीजन में ज्यादा खाए जाते हैं या बरसात के सीजन में ज्यादा होते हैं, तो ये नुकसान करेंगे। हमको हल्का फुल्का जुखाम होने पर भी हमको ये अवॉइड करना पड़ेगा कि कहीं ये जुखाम फिर बाद में हमारे निमोनिया की ओर ना बढ़ जाए, क्योंकि जुखाम होने पर जो बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस के, वो जुखाम के हमारे जो नाक से, जो नेजल चैम्बर से जो रास्ता जाता है वहां पे उनके फंसने के चांसेस हो जाते हैं। और इसीलिए हम निमोनिया के पेशेंट को ये कहते हैं कि आप ऊंचा तकिया लगा करके खुले हवादार कमरे में, गर्म कमरे में आप आराम करें। आजकल हर बीमारी में नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है, तो क्या इसमें भी नारियल पानी पीना चाहिए? देखिए, नारियल पानी पीने का निमोनिया में कोई विशेष प्रभाव देखा नहीं गया है। नारियल पानी एक तरीके से, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा डायरेक्ट होती है, हम बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा देना चाहते हैं, एक इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए नारियल पानी ठीक तो है, लेकिन निमोनिया के लिए हम इस पानी को अवॉइड करेंगे। हम एज ए फिजिशियन हम इसकी सलाह नहीं देंगे कि आपको निमोनिया होने पर आप नारियल पानी लें। नारियल पानी सामान्य दशा में जब आप स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए नारियल पानी लिया सकते, निमोनिया से पीड़ित होने पर आपको नारियल पानी की सलाह हम नहीं देंगे। इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या इलाज है? जी, आपका बहुत सही सवाल है, चूंकि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फिजिशियन हूं और पूरा देश हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए लगातार लाइन पर रहता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम किसी रोग की दवा नहीं करते, हम अंगों को स्वस्थ करने की दवा करते हैं, हमारे पास अंगों की औषधियां हैं। तो जब निमोनिया से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके लंग्स, ब्रोंकियोल्स, इसके ट्रेकियल चैम्बर इससे पीड़ित हैं इस रोग से, तो हम इन अंगों की औषधियों का चुनाव करते हैं, जिसमें हमारे पास यश1, पी1 और पी3 हमारे लंग्स की और हमारे एलबीडी की मेडिसिन है, और यश1 हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को निमोनिया में इंक्रीज करने के लिए एक यूनिवर्सल रेमेडी मानी गई है, और C13 जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर करती है। तो अगर बलगम बन रहा है, खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, बाद में उसमें गाढ़ा बलगम आ रहा है, तो हम यहाँ पे यश1, पी1, पी3 और C13 का चुनाव करते हैं, 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार हल्के गुनगुने पानी में इसको दिलवाते हैं। और अगर ब्रोंकाइटिस हो रहा है या ब्रोंकियो निमोनिया हो रहा है, तो वहां पे हम L3, क्योंकि हमारी एक्सक्रेटरी सिस्टम की मेडिसिन है, तो L3 को WE के साथ देने से और C7 को G के साथ देने से हम कफ को शरीर से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं, और जब कफ निकलने लगता है तो हमारे लंग्स हल्के फील करने लगते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने लगती है, जिससे हम अपने आप को बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। भोजन की अरुच होने पर हम यहाँ पे S10 F1 और P4 भी देते हैं, जिससे भोजन की रुच हमारे अंदर बढ़ती जाए और खाने से भी हमको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन्स की मात्रा भरपूर मिलती रहे। आमतौर से निमोनिया में लोगों की भूख मर जाती है, अनिच्छा हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो उन सब को एक साथ कवर करने के लिए हम ये 4 फार्मूले बनाते हैं। मैं अपने सुनने वालों को फार्मूले फिर से बता दूं, हम पहले फार्मूले में देते हैं S1, P1, P3 और C13, 20-20 ड्रॉप हल्के गुनगुने पानी में दिन में 4 बार। दूसरे फार्मूले के लिए हम देते हैं L3 और WE, 10-10 ड्रॉप 2 बार भोजन के बाद। और तीसरा फार्मूला हमारा है S10, C7, G, P4, ये हम भोजन के बाद देते हैं 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार।
दोपहर के रेस्ट टाइम में और बाकी सुबह शाम भोजन के बाद। तो हम ये देखते हैं कि लगभग एक सप्ताह में हमारा निमोनिया का पेशेंट अपने आप को सामान्य फील करने लगता है और दर है वो फिर सामान्य घट करके 18 से 20 पर आ जाती है, जो 30 से 40 हो गई थी। और फीवर हमारा जो 133 पर गया था वो उतर करके फिर 98.6 पर आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम निमोनिया में इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों का सेवन करेंगे, चूंकि ये हार्मलेस है, बॉडी पर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये शुद्ध पौधों से बनी हुई औषधियों का प्रयोग अगर सभी लोग करते हैं तो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे ऐसी जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।